मुंबई में नए साल और मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान लाइफलाइन लोकल के ट्रैफिक बिगड़ने और कई बार ओवरहेड वायर की चपेट में आने से हुई मौतों से निपटने के लिए रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के जरिए रेलवे ने लोगों से रेलवे स्टेशन और ट्रैक के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। देखिए जरा एक रिपोर्ट। नए साल का आगाज हो चुका है, जोश में अगर आप पतंग उड़ाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर, वरना आपकी पतंगबाजी जान भी ले सकती है। लिहाजा रेलवे ने लोगों से यह अपील की है कि रेलवे स्टेशनों के आसपास पतंग कतई न उड़ाएं। नए साल का आगाज हो चुका है और अब लोग तैयारी कर रहे हैं पतंगबाजी की। मकर संक्रांति और पतंगबाजी, जाहिर है मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी जोरों में होती है और इसीलिए अब रेलवे जो है पतंगबाजों को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रही है और यह अपील कर रही है रेलवे कि पतंगबाज जो है वो रेलवे ट्रैक के आसपास पतंगबाजी न करें। नोटिफिकेशन जारी करने के पीछे दो वजहें हैं। मेटल से बना धागा ओवरहेड वायर से टकराता है तो उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, इससे पतंग उड़ाने वाले की मौत भी हो सकती है। वहीं ओवरहेड वायर इतना नाजुक होता है कि अगर वो एक बार भी डिस्टर्ब हो गया तो लोकल ट्रेनों का ट्रैफिक पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, जिसका सीधा असर मुंबई करों पर पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन थम सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप रेलवे परिसर में पतंग उड़ाते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जो मकर संक्रांति का पर्व है उसमें पतंग काफ़ी उड़ाते हैं, उसका ट्रेंड भी है, तो उसी के मद्देनज़र हम एक जो पब्लिक अवेयरनेस में एक नोटिस हमेशा इशू करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो पतंग में जो डोर यूज़ करते हैं उसमें कई धातु के तत्व वगैरह मिले रहते हैं और वो जब ओवरहेड वायर के संपर्क में जब आती है तो उस केस में कोई हादसा होने की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो उसी को रोकने के लिए, उसी की रोकथाम के लिए हमारी कोशिश रहती है। रेलवे प्रशासन ने यह सबक बीते सालों में हुई कुछ घटनाओं से सीखा है, लेकिन साथ ही लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।